हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू देयर। थैंक यू? तुम मुझे क्यों बोल रही हो थैंक यू? थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। क्यों? तुमने हाँ जो बोल दिया मुझे, इसलिए। हाँ, actually तुम सही कह रहे हो। कोई लड़की पागल ही होगी जो तुम जैसे पुलिस वाले को हाँ कहेगी। actually थैंक यू बोलना तो आपका बनता है। हेलो, ये तुम जैसे पुलिस वाले का क्या मतलब है? हाँ, दिखने में ठीक ठाक और मेरे सिर पे कोई सिंगलिंग नहीं निकली है ना? दया, तुमने देखा नहीं क्या? तुम्हें नहीं पता, ये देखो, ये है दो सिंह। अच्छा, दो सिंह? हाँ। क्या हुआ? आज रात मरोगे दया। ये नहीं हो सकता, ऐसा क्यों हो रहा है दया? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ? शौकी, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। डरो मत, मैं हूं ना, और ऐसे बेकार की धमकियों से मैं डरता नहीं, समझी? तुमसे कहती रही दया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुमसे कहा था अगर मेरे साथ रहोगे तो यही होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा शौकी, विश्वास करो मुझ पे। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे नहीं लगता हमें साथ में रहना चाहिए। दया, तुम मुझे दूर चले जाओ। प्लीज गो अवे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दया, क्या कर रही हो तुम? इट्स ओवर, सॉरी दया। यार, इट्स ओवर। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। सीआईडी का ही ऑफिस है। हाँ हाँ, सीआईडी का ऑफिस है। देखिए, मुझे आपके सीनियर से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी अर्जेंट। पर आप है कौन? वो सब आपको पता चल जाएगा। प्लीज अपने सीनियर को बुलाइए, आप जानेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या शोर मचा के रखा है? सब मैंने राजेश को मार डाला, उसे मार डाला। आई किल्ड हिम, आई खूनी हूँ सर, प्लीज अरेस्ट मी। एक मिनट, आप जरा शांत हो जाइए। बताइए, आप कौन हैं और कौन राजेश? सब, मेरा नाम शोकी है। मैंने राजेश को मार डाला सर, मैंने उसका खून कर दिया सर। मैं खूनी हूँ। आप खुद को संभालिए। हाँ, आप यहाँ बैठिए, फिर बताइए। बैठिए, ये लीजिए। आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने राजेश का खून किया है। I've killed him. Please,
ये बताइए राजेश कौन है, है? और क्यों मारा आपने उसे? एक मिनट, ये देखिए सर, ये राजेश है। अरे इसमें तो लिखा है कि राजेश की मौत हार्ट अटैक से हुई। हार्ट अटैक? अगर इस आदमी की मौत हार्ट अटैक से हुई है तो आप ये क्यों कह रही है कि आपने राजेश को मारा? ये झूठ है, राजेश की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, राजेश को मैंने मारा। आप खुद सोचिए 20 साल की उम्र में चलता फिर आदमी अचानक कैसे मर सकते है, वो भी इतनी कम उम्र में। सब मेरा यकीन कीजिए, राजेश को मैंने ही मारा, उसे कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। क्या नाटक कर रही हैं? कैसा नाटक है, क्या करना चाहती हैं आप यहां पर? इस बैगेज टैग पर आज की डेट है, जब तुम शहर में थी ही नहीं तो राजेश को कैसे मार सकती हो? सच है सर कि मैं शहर में नहीं थी, मैं पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में थी। उस वीकेंड पर राजेश को सरप्राइज देना चाहती थी, और जब मैं उसके होटल पहुंची तो मुझे पता चला कि राजेश, जो उस वक्त आप यहाँ शहर में थी नहीं तो राजेश की मौत का इल्जाम आप खुद पर क्यों लगा रही? सर क्या फर्क पड़ता है, मैं वहां थी या यहाँ? जब उन दोनों की मौत हुई तभी मैं वहां नहीं थी ना, लेकिन फिर भी दोनों मर गए। क्या राजेश के अलावा कोई और दो लोग भी थे क्या? जी सर, गौतम और नितिन, और अब राजेश। मैंने तीनों को मार डाला सर, सर प्लीज अरेस्ट मी। ये सब 8 साल पहले शुरू हुआ। एक लड़का था मेरे कॉलेज में, उसका नाम नितिन था। वो पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा था। वो हमेशा मुझे सोशल वेबसाइट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था और मैं रिजेक्ट कर देती थी। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद था। देखो शोकी को कौन प्रपोज करने आया? नितिन, 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 नितिन। क्या रे डबल बैटरी? देखो चश्मे वाली आंखें से भी नहीं दिखाई दे रहा। एक काम कर, चश्मे पे भी चश्मा पहन ले। Let's go, girls. मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं जानता हूं कि शायद इस जिंदगी में हम कभी नहीं मिल पाएंगे, मगर मैं तुमसे प्यार करता हूं शोकी। अगर इस जन्म नहीं तो अगले जन्म ही सही। मैं ये घुटन की जिंदगी और नहीं जी सकता। मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। शायद हम फिर कभी मिले, फिर किसी जन्म में, जब तुम मुझे प्यार करोगे। उसने एक प्लास्टिक बैग अपने गले में डाला और अपनी जान ले ली, और दोष मुझे मिला सर। पूरा कॉलेज उसकी सुसाइड के लिए मुझे ब्लेम करता रहा। जैसे तैसे लोगों के ताने सुन सुनकर मैंने अपने कॉलेज का लास्ट ही खत्म किया। लोगों के तानों से इतना थक गई थी
कि मैंने शहर ही छोड़ दिया। तो नितिन पहला था और वो दूसरा कौन था? गौतम। जी, कॉलेज के बाद मैं चेन्नई शिफ्ट हो गई। हाँ, मैं गौतम से मिली। पहले हम दोस्त थे, मैं एक दूसरे को चाहने लगे। एक दिन अचानक मुझे कॉल आया कि गौतम की मौत हो चुकी। गौतम की मौत की वजह हार्ट अटैक थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे राजेश की हुई। नितिन की मौत इन दोनों के 8 साल पहले हुई। समझ में नहीं आता कहीं इन तीनों की मौत का कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? गौतम की मौत के बाद मैंने बाहर जाना बंद कर दिया। ना किसी से मिलती थी, ना किसी से ज्यादा बात करती थी। बहुत अकेली पड़ गई थी। तब मैं वो डेटिंग साइट पर गई और वहां मेरी बात राजेश से हुई। फिर क्या हुआ? सर, लास्ट टाइम जब राजेश मुंबई है था, तब मैं दिल्ली में थी एक सेमिनार के लिए। उसे सरप्राइज देना चाहती थी, पर जब मैं उसके होटल पहुंची तो मुझे पता चला कि वो 2 दिन पहले ही मर चुका था। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये नितिन की आत्मा कर रही है मुझसे बदला लेने के लिए। सर प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे सजा मिल लीजिए। सब मैं खूनी हूँ, I'm guilty, प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए। सबूत चाहिए, सबूत। आत्मा वात्मा पर हम लोग विश्वास नहीं करते, समझे आप? सर, आप मेरा तो विश्वास कीजिए। जब मैं कह रही हूँ कि तीनों का खून मैंने किया है, ये सब मेरे वजह से हो रहा है, सर प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मेरी बात का यकीन कीजिए। सर, आप मेरे साथ चलिए। सर, खून मैंने ही किया है। सर, सर इस राजेश का एक बार फिर पोस्टमार्टम करना चाहिए। फिर एक काम करो, राजेश के घर वालों से जाकर मिलो, उनसे बातचीत करो और देखो कुछ पता चलता है क्या, और उस डॉक्टर का भी पता लगाओ जिसने राजेश का डेथ सर्टिफिकेट लिखा था। नहीं नहीं, गलत है। जैसा आप लोग सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजेश की मौत की वजह हार्ट अटैक कतई नहीं। क्या तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बता ना। अरे बॉस, हार्ट अटैक तब होता है जब इंसान के हार्ट में ब्लॉकेजेस हो या उसके फेफड़े काम करना बंद कर दे, लेकिन राजेश की बॉडी में ऐसा कोई सिम्टम नहीं है। ठीक है, हार्ट अटैक से नहीं हुई है तो मौत हुई कैसे? इसकी बॉडी देखो, देखो गौर से, कितनी पीली पड़ गई। पता है क्यों पीली पड़ गई? क्योंकि इसके फेफड़ों ने और इसके हार्ट ने अचानक काम करना बंद कर दिया, और उसकी वजह यह है कि इसके शरीर में से सारी की सारी ऑक्सीजन गायब हो गई। ना इसकी बॉडी में ऑक्सीजन थी, ना इसके खून में ऑक्सीजन थी। ये बेचारा सांस भी नहीं ले पाया और मर गया। अरे लेकिन आपने बताया कि इसके लंग्स और हार्ट बिल्कुल सही सलामत थे, तो फिर अचानक इसके सिस्टम से ऑक्सीजन गायब कहाँ हो गई? और गला दबाकर मारा होगा, ऐसे भी कह नहीं सकते। नहीं तो इसके गर्दन पर कुछ निशान मिलते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, और ना ही हाथापाई के निशान है। सर, पहले हमें लगा कि शायद किसी ने जहर दे दिया हो, लेकिन इसके शरीर में जहर के भी कोई ट्रेसेस नहीं मिले। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि बेचारा किसी बहुत छोटी सी कंजेस्टेड जगह में फंस गया हो और इसका दम घुट गया। ले पैराडाइज होटल चलते हैं, जहाँ पर राजेश की मौत हुई थी वहीं पे पता चल जाएगा। सर, सामान तो बिखरा पड़ा है। ऐसा लग तो रहा है कि मरने से पहले हाथ पांव मारे। बहुत तड़पा होगा बेचारा। जब आप लोग यहाँ पर आए तो क्या देखा आपने? सर, दरवाजा लॉक था। अंदर जाने के लिए हमने दरवाजे को तोड़ा, जैसे मंदिर घुसे मिस्टर राजेश यहीं दरवाजे पड़े हुए मिले। यहाँ अकेले दरवाजा अंदर से बंद था, मतलब दूसरा तो कोई था नहीं यहाँ पे। वही तो, मगर कुछ तो था ना इस कमरे में जिसकी वजह से ये बेचारा दम घुट के मर गया। कुछ तो था ना, कुछ तो था। एयर कंडीशन तो ठीक ठाक चल रहा है सर, दोनों ही मामलों में वही हुआ सर, पहले गौतम और अब ये राजेश। लड़की तो सच बोल रही है। एक काम करते हैं, गौतम की माता पिता से भी बात करते हैं। सर,
इतने साल बाद आप लोग गौतम के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? क्या बता सकते हैं गौतम की मौत कैसे हुई? सर, माय सन गौतम बिजनेस के टूर के लिए गया हुआ था, होटल ले पैराडाइज में रुका था, एवरीथिंग इज ओके, सब सही था। देन वन डे मॉर्निंग होटल मैनेजर का कॉल आया, उसने बोला कि आपका सन गौतम का होटल के रूम में डेथ हो गया। सर, कैसे हुई मौत उसकी, कुछ बताया उन्होंने? डेथ सर्टिफिकेट में लिखा था कि गौतम की डेथ हार्ट अटैक से हुई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर, ये होटल का लेआउट है। सर, हमने कम से कम 60 लोगों से बात की है, हाउसकीपिंग स्टाफ, रूम सर्विस, वेटर्स, बेल बॉयज, सब लोगों का यही कहना है सर कि राजेश से किसी को बात करते हुए नहीं देखा, और तो और सर किसी को उसके रूम में भी जाते हुए नहीं देखा। सर, होटल के सभी पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरास लगे, लॉबी, कॉरिडोर, हॉल, ऑलमोस्ट सब है। सर, हमने उसकी फुटेज भी चेक की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे देखकर शक हो। अभिजीत, इन तीनों की मौत किसी बंद कमरे में हुई है। बंद कमरे में, एक हॉस्टल का कमरा था और दो होटल के कमरे थे, लेकिन इत्तफाक नहीं हो सकता अभिजीत, कहीं ना कहीं तो इन तीनों की मौत का एक दूसरे से संबंध है। बड़े ठंडे दिमाग से फुल प्लानिंग करके खून किया इन तीनों का। और सर, इन तीनों को मारना कौन चाहता था और क्यों? सर, एक बात आ रही है दिमाग में। क्या? बताओ। सर, चौकी ने कहा था कि जिससे वो प्यार करती है वो मारा जाता है। हाँ, तो क्यों ना हम में से एक आदमी शोकी का प्रेमी बन जाए, प्यार का नाटक करने लगे, खूनी को लगेगा कि शोकी का नया प्रेमी आ गया और वो उसके पीछे पड़ जाए। व्हाट एन आइडिया सर जी। पर कौन? आइडिया बड़ी अच्छी है अभिजीत, है ना? कौन कौन जा सकता है? मैं चला जाता अगर मैं शादीशुदा नहीं होता तो। अभिजीत, किसी ना किसी को तो जाना ही होगा भाई। हाँ, देख तुम जाओगे? मैं नहीं सर, मैं ये प्यार व्यार नहीं कर सकता। अरे दया, असली प्यार कहाँ करना है, सिर्फ एक्टिंग करनी है प्यार की। नहीं सर, मुझे ये नाटक भी नहीं होगा मुझसे। क्यों क्यों नहीं होगा? सर, मैं नहीं कर सकता मैं सर। ऑर्डर्स दया, ड्यूटी फर्स्ट करना पड़ेगा। फाइन सर, गुड। Are you sure? सोशल वेबसाइट पे स्टेटस चेंज किया तुम्हारा? पहले उसे चेंज करो। इसकी क्या जरूरत? जरूरत है। अब बाइक पे बैठ जाओ पीछे और जरा प्यार से बैठना, ताकि लोगों को लगे कि हमारे बीच पे वो प्यार चल रहा है। चाय भाई का इंतजाम कुछ किया जाए, ये अकेले खाए जा रहा है। हाँ, मैं लेके आता हूँ। तय बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं लगता हमें ये करना चाहिए। तुम्हारी जान खतरे में है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये प्लान कैंसिल कर देते हैं। ओके, फाइनल हो गया। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ, क्या लोगे तुम? सीरियसली? हाँ सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्या लोगे तुम? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं। आइसक्रीम? एक्सक्यूज मी, आइसक्रीम।
मुझे। Tonight you die, दया। आज रात को तुम्हारी मौत है दया। तेरे का निशान आया है तो खतरा भी आएगा। आने दो खतरा अभिजीत। खतरा आने से पहले हम ऐसी चाल चलेंगे कि ये खुद अपनी जाल में फंसने वाला है। हाँ सर। दया, तैयार रहना। ठीक है सर। सर, ये कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2 और वहां पे कैमरा नंबर 3 सर। ये सर, ये इस खिड़की की चाबी है। इनकेस ये खिड़की खुलती नहीं है सर और कुछ हो जाता है तो ये ऑक्सीजन टैंक भी यहाँ पर है। और ये कान में लगा लीजिए सर। माइक, ये माइक है सर। All the best, sir. Thanks. अदय, दया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। Good. Be alert. Sir. सच बताओ? मुझे दया सर के लिए थोड़ा डर लग रहा है। अगर दया सर को कुछ हो गया ना तो मैं सीआईडी की नौकरी छोड़ दूंगा। उस आत्मा ने दया सर को कुछ कर दिया तो? नहीं सर, I'm sure ऐसा सब कुछ नहीं होगा। और तो फिर तू डर क्यों रहा है? दया, तुम यहाँ क्या करो? ये होटल रूम नहीं, मौत का कुआं। लिसन प्लीज, मैं सब वापस चलो। चलो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ जाओ। ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये क्या कर रहे हो आप लोग? इसकी जान खतरे में डाल रहे हैं। तुम खुद को मारना चाहते हो? कोई सुसाइड मिशन है ये? प्लीज मेरी बात सुनो, अगर उसे पकड़ना ही है ना तो दूसरे और बहुत तरीके हैं, लेकिन ये तरीका नहीं। तुम प्लीज चलो यहाँ से। शोकी, कुछ नहीं होगा मुझे, तुम जाओ यहाँ से, काम करने दो। देखो दया, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, प्लीज अंडरस्टैंड। अरे यार, शोकी से बात करो। ये लो, बात करो। बेफिक्र रहो, तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। दया, दया, अंदर से लॉक मत करना। हाँ अभिजीत। अगर रूम के बाहर कुछ एक्टिविटी होगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। ओके सर। दरवाजे पर कोई आया है, अंदर रहने की कोशिश कर रहा है।
की लाइट खिंच गई। फ्रेडी जल्दी जाओ, देखो फ्यूज बॉक्स, देखो जाओ, जल्दी देखो, जल्दी देखो। दया, पता नहीं साउंड जा रही है कि नहीं। दया, दया, समझ में नहीं आ रहा। बेटे क्या हुआ? दया, 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 दया सर। क्या क्या हुआ फ्रेडी? जिंदा हूं अभी। अरे यहां पे ब्लैकआउट हो गया था यार। सो रहे? सो जा। अब लोरी सुनाओ इसे। अच्छा यार, सबकी नींद उड़ा के खुद सो रहा है। दया। हाँ सर। क्या भाई, क्या हाल है? अभिजीत, ये शोकी का हर आशिक होटल के कमरे में मारा गया है। तो इस बार तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी का मन भर गया हो होटल के कमरे में मारते मारते? दया, सर अभी के अभी चेकआउट करो। चेकआउट क्यों सर? मैं कहता हूं ना दया, आ जाओ। लाने में थोड़ी देर और हो जाती तो इनको बचाना मुश्किल होता। आज आप लोगों के वजह से दया की ये हालत। आप लोग कहते हो कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, फिर दया की हालत किसने की? शोकी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा दया को। मेरी वजह से किसी की भी जान खतरे में है। शोकी, अगर तुम यहां से चली गई तो हम उस खूनी को कभी पकड़ नहीं पाएंगे, और तुम जिंदगी भर अपने आप को उन तीनों की मौत का जिम्मेदार मानती रहोगी।
हाँ शौकी, दैसे ही कह रहा है। तुम रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। हाँ विजित सर, आप अभी फॉरेंसिक लैब आ जाइए, कुछ दिखाना है। ठीक है आता हूँ। दया निकलना होगा। सर जिस गाड़ी में दया की हालत खराब हुई थी वो गाड़ी हमने पूरी तरह छान मारी। सब कुछ सही था सर, लेकिन बोनट के अंदर हमें एक टूटी हुई वायर मिली। कैसी था? सर चेक किया तो पता चला वो वायर एसी के डक्ट से जुड़ी हुई थी। मतलब किसी ने एसी डक्ट के साथ छेड़खानी की थी? सर एसी से निकलने वाली हवा में शायद कुछ मिलाने के लिए। भी तो बता यार। बस हाँ। ये एक नया केमिकल है, हाईली रिएक्टिव। इस पर मुझे काम करना पड़ेगा, तभी कुछ पता लगेगा। तारिका, इस केमिकल की अच्छी तरह से एनालिसिस किए बिना इस केस की जड़ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। दोनों खून इस केमिकल की वजह से हुए। इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। Let's see, क्या बोलता है? तुम एक काम करो, केमिकल 2016 की साइट पे जाओ, लॉगिन करो और मैं जो स्पेसिफिकेशन बोलता जाऊंगा उन्हें इसमें डालो, देखो क्या रिजल्ट आता है। लिखो मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी, आउटर लेयर, सर्कमफेरेंस, इनर सर्कमफेरेंस। आया कुछ? हाँ सर मिल गया। माय गॉड, एक मिनट। अब ये पिंक हो गया है, इसका मतलब इसने सारी ऑक्सीजन रिलीज कर ली है। तारिका बुला लो सबको। बता पर मैं। बॉस हम जो सांस लेते हैं उसमें सिर्फ 20% ऑक्सीजन होती है, 20%। बाकी 80% तो नाइट्रोजन और दूसरी गैसेस होती है। हाँ लेकिन ये जरूर है कि 20% ऑक्सीजन की वजह से ही हम लोग जिंदा रहते हैं। लेकिन सोचो अगर हवा में से ये 20% ऑक्सीजन एकदम गायब कर दी जाए तो खेल खत्म। बिल्कुल ठीक फ्रेडी, खेल खत्म। ये केमिकल वही कर रहा था, इसने हवा में से सारी की सारी ऑक्सीजन सोख ली। ओ, तो मतलब अगर ये केमिकल किसी बंद कमरे में डाला जाए तो उस कमरे के अंदर का जो भी ऑक्सीजन है सब खत्म हो जाएगा, सोख लेगा ये। बिल्कुल, आदमी का दम घुटने लगेगा और मर जाएगा वो। और एक खास बात बॉस, ये केमिकल अभी मार्केट में आया नहीं, अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। लेकिन क्या, क्यों क्यों बना रहे हैं केमिकल, क्या यूज क्या है? मैं बताता हूं। आइए ये देखो बॉस, ये डाइवर्स माउंटेनियर्स, गोताखोर, पर्वतारोही, इन लोगों को ये केमिकल बहुत ज्यादा मदद करता है। बेसिकली जिन जगहों पर ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां पर इस केमिकल की हेल्प से ऑक्सीजन स्टोर की जाती है। That's right. मगर सारुंखे ये केमिकल अभी भी रिसर्च स्टेज पर है ना? बस हो सकता है खूनी ने केमिस्ट्री जर्नल पढ़कर के जानकारी हासिल की। सर जहां तक याद आ रहा है वो जो नितिन था वो केमिकल स्टूडेंट था सर। हाँ पर अभिजीत, नितिन तो मर गया तो फिर कौन? उसका कोई दोस्त, कोई क्लासमेट, केमिस्ट्री स्टूडेंट?
उसके दोस्तों की लिस्ट बनाते हैं। सर कुछ पता चला? हाँ हाँ, बस अभी पता चल जाएगा। वो जो कोई भी है वो केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानता है, क्योंकि नितिन एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, इसलिए हमें शक था कि ये काम जिसने भी किया है वो या तो नितिन का दोस्त होगा या फिर कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट। इसलिए हमने नितिन की फ्रेंड लिस्ट चेक करी। नितिन की मौत पे बहुत लोगों ने दुख जताया था, लेकिन कोई था जो नितिन की डेथ एनिवर्सरी पे हर साल दुख जताया करता था? अब वो शख्स है रेड रोज। रेड रोज? हाँ, रेड रोज। और ये रेड रोज पिछले 8 सालों से लगातार हर साल नितिन की मौत के दिन यानी 7 फरवरी को कुछ ना कुछ पोस्ट किया करता था। और यही रेड रोज शोकी तुम्हारे बारे में भी भला बुरा लिखता था सोशल मीडिया पर। हाँ सब, पर ये रेड रोज है कौन? राजश्री। ये इसे तो मैं जानती हूँ, हमारे कॉलेज में पढ़ती थी। सर ये चेहरा देखा हुआ है? जरूर देखा होगा, जब राजेश आपके होटल में चेक इन करने आया था तो ये भी आई थी रीना बनके। एक बात अच्छी है कि अब किसी की जान को खतरा नहीं, क्योंकि रीना उर्फ रेड रोज उर्फ राजश्री हमारे कब्जे में है। अरे अरे, कहाँ जा रही है? बहुत जल्दी मेल लगता है, चलिए हमारे साथ, हम छोड़ देते। You're under arrest. चलो। राजश्री तुम्हें कॉलेज के टाइम से फॉलो कर रही थी, अलग अलग भेस बदल कर। क्यों किया तुमने ऐसा? और तुम और राजेश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उन दोनों को क्यों मारा? नितिन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हाँ? क्यों जान ली तुमने उसकी? मैं नितिन से प्यार करती थी, लेकिन उसने अपनी जान दी थी इसकी वजह से। इसलिए मैंने हर उस आदमी को मारा जो तुमसे प्यार करता था। उसने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली, तो मैं इसको कैसे खुश रहने दूं? हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया मैंने। राजश्री, अपने प्यार को खोने के दुख में तुमने 2 मासूम लोगों की जाने ली, अब जिंदगी भर जेल में ये सोचते बैठना कि क्या तुमने सही किया और क्या गलत किया। ले जाओ इसे। सीपीसो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, दया, स्पेशल थैंक्स टू यू। आपने अपनी जान खतरे में डालकर मैं जिस गिल्ट में रह रही थी उसे हटा दिया, थैंक यू सो मच। अरे कोई नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। शोकी, हम सब की तरफ से गुड लक। थैंक यू सो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.